हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है खास मेहमान जिनके हम जब भी उन्हें देखते हैं उनकी हर अंदाज हमें हंसाती है, गुदगुदाती है और चतुर नाम को कौन भूल सकता है थ्री इडियट्स के, ओमी ओमी वैद्य, वेलकम टू इंडिया टीवी। हाँ, आदरणीय सभापति महोदया, हाउ इज एवरीवन डूइंग? गुड टू सी यू। एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स एंड आई होप पीपल आर गेटिंग सम थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, यू नो, लोगों को जब वो देखते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ओमी भाई, आपने इतना इतना काम किया है, आपने वहाँ अब्रॉड में काम किया है, इंडिया में काम किया है, बट अभी जब भी आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो चतुर रामलिंगम वाली इमेज है अभी हमारे हमारे जहन में एकदम ताजा हो जाती है। तो हाउ डिड यू कनेक्ट दीज ऑल दीज इयर्स, एक इमेज हो गई थी कि जब भी ओमी और चतुर की बात। क्योंकि वो फिल्म इतना पावरफुल था और वो कैरेक्टर भी इतना रिलेटेबल, सबको सबको मालूम है एक चतुर दुनिया में, यू नो, लाइफ में, जिंदगी में, सबको मालूम है। समटाइम्स हम भी एक थोड़ा सा चतुर का थिंकिंग भी करते हैं, यू नो, सो इट्स वेरी रिलेटेबल। और फिर भी वो कॉमेडी, वो लैंग्वेज का कॉमेडी, मेरा मेरा हिंदी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। और ऐसे इंसान, यू नो, यू डोंट मीट दिस काइंड ऑफ पर्सन, इसलिए लोग वो फिल्म मेकर्स भी मुझे कैस्ट किया, क्योंकि इंडिया में ऐसा ऐसा इतना, यू नो, फैंटास्टिक हिंदी किसी को नहीं बोल सकते। मैं ये कह रहा था कि इतने समय से, इतना अरसा बीत चुका है, आपने जो किरदार है अलग अलग किरदार निभाए हैं। हाल ही में हमने आपको मेट्रो पार्क में भी देखा, जो कनन का किरदार है वो भी हमारे जहन में एकदम ताजा है, हर कोई पसंद करता है। तो हाउ डिड दिस थिंग हैपन कि जो वेब सीरीज में कनन का जो किरदार है आपने निभाया है, तो कहीं ना कहीं वो कितना आप खुद से कनेक्ट कर पाते? क्योंकि मैंने वो पहली एक डायरेक्टर का प्रोजेक्ट था, वो ब्राउन नेशन, उस नेटफ्लिक्स पे है। इट्स अबाउट आईटी कंपनी, वो न्यू जर्सी में काम करते, एंड वो इट वाज अ नाइस प्रोजेक्ट, बट वो इंग्लिश में था। और उसके बाद दे केम अप विद दिस मेट्रो पार्क आइडिया, क्योंकि सारे इंडियन लोग, आई थिंक देयर इज लाइक सो मेनी मिलियंस ऑफ इंडियन लोग, वो विदेश में रहते हैं ना, देश विदेश में फैल जाएंगे ना, तो सो ऑल दोज पीपल दे हैव अ कनेक्शन एंड दे हैव देयर इंडियन कल्चर, लेकिन वो इंडियन कल्चर थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और दैट स्ट्रगल, यू नो, टू बी अमेरिकन एंड इंडियन, एंड वो सब उसमें बहुत कॉमेडी रिलीफ कॉमेडी है। सो आई थिंक यू नो दैट हैज नेवर रियली बीन एक्सप्लोर्ड प्रॉपरली। यू नो, वी हैव लाइक शाहरुख खान प्लेइंग आई एम खान एंड यू नो ऑल दिस सीरियस स्टफ, बट लेकिन वो द फनी मोमेंट्स ऑफ बीइंग एन इमिग्रेंट, दैट इज समथिंग दैट हैजंट बीन फुली एक्सप्लोर्ड। सो आई रियली कनेक्टेड विद दैट, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ और लेकिन मैं इंडियन हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एक्सपीरियंस दैट एवरी डे, एंड फॉर दैट आई वॉन्टेड टू आई गॉट अ चांस टू पोर्ट्रे समथिंग दैट इज मोर सिमिलर टू हु आई एम। सो इसलिए मुझे वो मौका मिला और लोगों को बहुत पसंद आया। और अभी हमने सीजन टू किया हीरोज पे, और यू नो होपफुली वील स्टार्ट सीजन थ्री इन अ कपल मंथ्स। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपकी जो वाइफ है वो भी गुजराती है, और जो मेट्रो पार्क का जो पूरा थीम है समय पूरा गुजराती बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी सी आपको हेल्प मिली, लाइक वाइफ वॉज हेल्पफुल इन इट? लाइफ मारी पत्नी गुजराती छे बिल्कुल, और आई डेफिनेटली कनेक्टेड टू द कैरेक्टर वेरी मच। ऐसे लगा कि मैं हूँ वो कैरेक्टर, यू नो, कुछ एक्टिंग की जरूरत नहीं। सो इट वाज वेरी एंजॉयबल एंड इजी टू प्ले दैट रोल। और फिर भी जब लोग, यू नो, डिफरेंट पूर्वी जोशी और एवरीबॉडी स्पीकिंग इन गुजराती, मुझे समझता है, मेरा कैरेक्टर को समझता नहीं, और
kind of gets a little bit of it. And वो भी मेरा लाइफ में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा इधर उधर आई फिगर इट आउट. और वो जितना गुजराती खाना है, वेजिटेरियन खाना हम खाते हैं, वो यू नो आई एक्सपीरियंस दैट होल फीलिंग ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग वो दिस कल्चर, बींग पुश्ड इनटू इट एंड देन फाइनली एम्ब्रेसिंग इट. सो दैट दैट वाज समथिंग दैट आई मायसेल्फ वेंट थ्रू. एंड यू नो माय वाइफ वाज वेरी हेल्पफुल, you know, making me experience that in real life. किस तरह से लॉकडाउन है तो किस तरह से आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर पे, क्या कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं? हर कोई कुछ कुछ नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो ओमी वैद्य किस तरह से इस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं? जब यू नो जब दुनिया हमारा इट स्टॉप्स मूविंग, इट स्टॉप्स चेंजिंग एंड एडवांसिंग, एवरीथिंग चेंजेस. यू नो हम एक्टर्स को पर्पस भी नहीं है. यू नो वी हैव नो रीजन टू, वी कैन नॉट परफॉर्म. हम डॉक्टर्स नहीं है, हम हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यू नो सो वी आर ऑलमोस्ट वंडर व्हाट टू डू. एंड you know, and that's similar to lots of people now who are stuck at home and living the same day over and over again. Aise lagta hai. Lekin is time pe a lot of internal growth can happen. You know, you cannot get better job, maybe you cannot get work. So exercise bahut kar sakte, you know, reading, learning new skills. Maine bahut writing kiya. मैं मराठी हूँ, तो मैंने एक मराठी स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड के साथ मैंने लिखा. और अभी हम यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इट मेड इन वंस कोविड इज ओवर. एक हिंदी भी स्क्रिप्ट मेरे फ्रेंड के साथ लिखा. तो वो सब क्रिएटिव वर्क जो without filmmaking, you know, writing type, that can be done with at home. So you have to also be creative in what you can do. So maine bahut khana bhi banaya, you know, naya in recipes. Aur mere do bacche hai, to usko bahut you know sikhaya, you know. I became a very good father and teacher. So those are all the things we, you know, हमारे पास बहुत कंट्रोल नहीं है अभी. यू नो वी कैन नॉट डू द थिंग्स वी वांट टू डू. लेकिन इस वक्त में वी हैव द कंट्रोल ओवर द थिंग्स दैट आर विद इन आवर हाउस, विद इन आवर ब्रेन, विद इन आवर बॉडी. सो वी हैव टू फोकस ऑन दोस थिंग्स. सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ, यू नो, लॉट ऑफ क्राइसिस ड्यूरिंग दिस टाइम. यू नो मे बी सम सैडनेस, थोड़ा डिप्रेशन. किसी को कोविड होता है, मम्मी डैडी को, मेरा पापा को कोविड मिला, यू नो, एक साल पहले. तो यू नो सो एंग्जाइटी भी होता है. तो इस वक्त में यू नो वी हैव टू डू समथिंग टू डी-स्ट्रेस, इम्प्रूव आवर मेंटल स्पेस. तो मेडिटेशन, योगा, कुछ भी. बट इफ यू ईटिंग करेक्टली, एक्सरसाइजिंग करेक्टली, दीज आर थिंग्स दैट विल हेल्प यू and give you long-term happiness, contentment. So, you know, we just do what we can. You know, we are all just one person. You know, some people think, oh, main itna bada hu, or main kon hu, you know, but we're all the same. When it comes to COVID-19, wo COVID-19 ko, wo Pakistani hai, wo Hindu hai, wo hai, they don't care, you know. We're all the same person. We all have to focus and be safe and do what we can, you know. Right, exactly as you said ki hamare yahan pe jab bhi koi aise cheeze hoti hai aksar discrimination aur aise cheeze ho jati hai, but ups and downs, everyone goes through an ups and downs, and God's grace, things are fine, we all are safe. कुछ समय पहले जैसे कि आप घर में हैं, एक्टर है, एक्टर समय डाउन द लाइन जब एक्ट करने जाते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, तो मेकअप लगाना, तैयार होना, ये सारी चीजों का बड़ा शौक होता है. आपने कुछ सालों पहले एक मूवी भी की थी, मिरर गेम्स. तो अब जबकि घर में है, तो कितना ये सारी चीजों को मिस करते हैं,
और मिरर गेम्स कितना होता है कि मतलब खुद को देखना, तैयार होना, या फिर सारी चीजें, या फिर जस्ट रिलैक्स की कोई मेकअप नहीं लगाना है, घर पे रहना है, चिल करना है। थोड़ा सा डेफिनेटली याद आता है, यू नो, फॉर दोस टाइम्स व्हेन वी वर ऑल टुगेदर, वो बहुत एक्साइटिंग है। फिल्म मेकिंग जब हम करते हैं वो बहुत एक्साइटिंग, बहुत हाई लगता है। जैसे हम, यू नो, आई थिंक सिमिलर टू हाउ पीपल डू ड्रग्स और ड्रिंकिंग, ऐसा लगता है इट्स सो मच फन, यू नो, इट्स सो मच फन टू डू दैट। लेकिन इसके बाद भी वो डाउन होता है, क्योंकि लगता है कि ओ आई एम नॉट डूइंग दैट फन थिंग। लेकिन व्हेन यू वर्क एज मच एज आई डू, इतने सारे साल मैंने काम किया, यू गेट यूज टू दिस, यू गो अप एंड यू गो डाउन एंड एट सम पॉइंट इट ऑल बिकम्स द सेम। एंड जब मैं सेट पे हूँ, मैं कैमरा के सामने मैं एक्टिंग करता हूँ, लेकिन मैं घर पे हूँ, मैं पापा का एक्टिंग करता हूँ, मैं पति का एक्टिंग करता हूँ। हम, यू नो, मेरा लाइफ इज जस्ट फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स दैट आई प्ले, एंड इट डजंट मैटर वो कैमरा है कि नहीं, यू नो, वी ऑलवेज हैव टू प्ले दैट। आप अभी वो एंकर का रोल यू आर प्लेइंग ना, सो वी आर ऑलवेज प्लेइंग रोल्स वेदर देयर इज अ कैमरा और नॉट। और वो मेकअप का, you know, if I want, I can do my hair and look nice. But yeah, मुझे वो glamour और recognition का कुछ ज्यादा, you know, I don't have that need for that. What I miss is really the acting part. और वो भी कभी कभी मिलता है तो अच्छा है, लेकिन मुझे अभी बच्चे के साथ, you know, family के साथ, मुझे वो दूसरे भी इंटरेस्ट भी है। और लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग। सो मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस भी एंजॉयमेंट आता है, यू नो। जब भी आपकी बात होगी तो कहीं ना कहीं थ्री इडियट्स तो ऑब्वियसली एक बेंचमार्क है, बट इसके अलावा आपने कई सारी फिल्में की है, दिल तो बच्चा है जी, मिरर गेम्स, और भी कई सारी, ब्लैक मेल रिसेंट में आई थी, काफी फिल्में की, तो उनकी भी अगर थोड़ी बात करें, मिरर गेम्स की अगर बात करें, इट वॉज अ रियली अ नाइस मूवी, बट कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा सक्सेस उसे नहीं मिल पाई, का विक्रम का कैरेक्टर था, तो उस मूवी के बारे में अगर कोई एक्सपीरियंस बता सके। मैंने बहुत सारे फिल्म किए थ्री इडियट्स के बाद, लेकिन वो फिल्म इतना बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इट्स, यू नो, दैट थ्री इडियट्स इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा फिल्म है। और दूसरे फिल्म कभी कभी लगता है कि अच्छा स्क्रिप्ट है लेकिन एक्टिंग अच्छा नहीं है, और एक्टर्स अच्छे है बट स्क्रिप्ट में। सो यू नो, जब हम खाना करते हैं, यू नो, इफ यू हैव द परफेक्ट रेसिपी बट यू मिस वन इंग्रेडिएंट, वो अच्छा नहीं लगता है। सो यू नेवर नो हाउ अ फिल्म इज गोइंग टू टर्न आउट, बट मैं आई ऑलवेज अप्रोच द फिल्म ऐसे कि मैं मेरा काम का कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद कितने सारे लोग काम करते हैं, पब्लिसिटी पीपल, मार्केटिंग पीपल, कभी कभी कुछ इवेंट, न्यूज इवेंट हैपेंस, यू नो, कुछ दे क्लोज, कोविड का सब क्लोज थिएटर्स होते हैं। दिस इज नथिंग इन माई कंट्रोल, बट मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरा एक्टिंग है, और मैं करता हूँ और मुझे एंजॉयमेंट होता है। इसके बाद वो आउटकम मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड वर्क, और जब मैं घर जाता हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन इज प्रीटी मच ओवर। बट लोगों को पसंद आता है मेरे कलाकार, दे रियली लाइक ऑल दैट स्टफ। आपने मेरा फिल्म प्लेयर्स देखा? प्लेयर्स थिएटर्स में देखा? थिएटर्स में नहीं ना, थिएटर्स में लोग थिएटर्स में नहीं देखा, क्योंकि सिर्फ डीवीडी में देखा, क्योंकि वो फिल्म अच्छा थिएटर्स में नहीं चला, लेकिन but people enjoy this stuff and it gives them escape from you know the difficulties of life. So abhi bhi covid mein itne sare problems hai, ghar pe bahar nahi ja sakta, lekin mere films thoda sa relief dete logon ko, aur mera speech, mera language skills, aur isme kuch
कमी नहीं है, यू नो, एंड आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक दैट आई कैन गिव देम. लास्टली उमी, आप यूएस में रहते हैं, इंडिया में आपके फैंस आपको इतना ज्यादा मिस करते हैं, तो व्हाई डू वी सी कि मतलब उमी थोड़ा उतना ज्यादा एक्टिव इंडिया में नजर नहीं आते हैं जितना अब्रॉड होते हैं, बिकॉज़ वी ऑल मिस यू अ लॉट. मेनी रीजंस. एक, क्योंकि मैं, मेरा पैदा हुआ वहाँ पे और मेरा फैमिली परिवार यहाँ पे है, तो मुझे थोड़ा सा यू नो मैं याद करता हूँ जब मैं इंडिया में है, सबको मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग दैट आई एम क्लोजेस्ट टू आर नॉट अराउंड मी. दूसरा क्या है कि लोगों को उसके आँख में सिर्फ वो एक्टर देखते दिखता है और स्टार दिखता है और चतुर दिखता है कुछ भी, लेकिन उसको ओमी मालूम नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा कठिन है, यू नो, टू एक्सपीरियंस दैट एंड कॉन्स्टेंटली परफॉर्म एंड फील आई हैव टू डू दैट. और फिर भी मुझे अच्छे रोल्स भी मिलना चाहिए, यू नो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कुछ भी वन डे टू डे रोल्स फ्लाई, यू नो, 24 आवर्स फ्लाइंग देयर फॉर ऐसे थोड़ा सा रोल, इट्स डजंट मेक सेंस. सो जब अच्छे रोल्स मिलते हैं, यू नो, इवन इफ द मनी इज वेरी लिटिल, आई विल गो फॉर इट, बिकॉज मुझे चैलेंज चाहिए, मुझे आई वॉन्ट, जब लोग मुझे देखते हैं मूवी में, उसको उम्मीद है कि मैं कुछ फैंटास्टिक करूंगा, और मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा आई हैव टू डू समथिंग फैंटास्टिक. तो इफ दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर और मुझे, मेरे पास फेथ नहीं है वो डायरेक्टर में, प्रोड्यूसर में, तो मैं नहीं करूंगा. और बड़े बड़े फिल्म्स में मौके मिलते हैं, लेकिन यू नो देयर इज नथिंग स्पेशल. और छोटे छोटे फिल्म, मैंने एक फिल्म किया अली फजल के साथ, फॉर हीरो टू गो, वो नेटफ्लिक्स पे है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो लोग उसने देखा उसको बहुत पसंद आया. तो यू नो आई रियली वांट टू डू स्टफ दैट इज वैल्यूएबल इन लाइफ. हमारे पास इतना थोड़ा सा टाइम है लाइफ में, मे बी अभी मेरे पास 40 इयर्स है बस, और 40 इयर्स, तो विल आई फोकस ऑन जस्ट ट्राइंग टू बी successful and known to people and cater to people's needs, or will I cater to my own needs? Mera needs kya hai life mein? That's what's most important. So Omi, we really wish ki aap jo chah rahe hain aapko wo mile, and we see you more in India as well, and we wish you luck ki jaldi crisis situations khatam ho, we see you back, we see you with the roles you wish to. Thank you so much for talking to us. Lastly, कोई message अगर आप fans के लिए देना चाहेंगे? Yeah, fans को के लिए अभी बहुत difficult time है लोगों को, परिवार को, you know, they're all struggling. Everyone is struggling right now. Even me, even people here. हमारे पास vaccines है, लेकिन हमारे पास वो, we don't have any control to help all of our family, you know, in India. So we are also struggling and we are also grieving and having a difficult time, but ye sab ho jayega, it will go away if we all focus on the right things. And you know what those messages are, of course, stay at home and all this stuff. And you know, there will be a time where all of this is over. Hamare pa America mein thoda sa hope hai, 30% of the population ko vaccine mila hai, abhi mask bahar you know, we don't have to wear it anymore, you know. So wo time aayega India, Indian log ke pa, you know. So I think thoda sa time, patience, you know, that will what we'll have to do. And just being safe, just abhi safe hua. There's very too much risk right now. And I promise that I will come back and do some fantastic acting and make you guys laugh when this is all over. And I look forward to doing that. You know, jahapana tusi great ho log, Indian log, tofu kabul kar. So much, Omi. Bada maza hai aapse baat karke. Thanks a lot for giving your time. Wishing you all the best and see you soon. Thank you so much. Thanks, guys. All right. See you guys.